सब तुमको बताइए करे तो फिर तो क्या 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 फायदा है करने का क्या फायदा है जितना धूली जमा रहता है सब भर जाता है क्या बोलते हैं हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, चाय पी लो। आज से जो व्लॉग स्टार्ट होने वाली है वो आपको डेली मिलेगा। हम ट्राई करेंगे 30 डे व्लॉग का जो चैलेंज होता है वो आज से आपका भाई लेने का प्लान किया है। जो व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रही है, अगर आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जुड़े हो तो पता होगा कि आपके भाई ने नीट का फॉर्म अप्लाई किया है। तो नीट का एग्ज़ाम 12 सितंबर को है, तो उसी के प्रिपरेशन के वजह से व्लॉग रेगुलर नहीं आ पा रही थी। अभी फ़िलहाल आपका भाई है अनुराग के यहाँ। अनुराग भाई है ये तो ये अभी खाना खा रहा था और यहीं बैठ के खा रहा था। वो शॉर्ट्स आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे की बात करते हैं। हम खाते नहीं पिज्जा और पाव रोटी, यहाँ हम खाते हैं दाल भात चोखा, बाटी चोखा और रोटी। बिहारी बाबू। खाना ठंडी पानी, इसमें नॉर्मल पानी और इसमें गिलास। इस खाली गिलास में आधा पानी ये जाएगा और आधा पानी ये जाएगा। ये आपको मस्त एकदम ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेंगे अनुराग बाबू के यार। देखिए गया ये इसमें डाला। अरे भाई खाए दे भाई, सड़क जाएंगे। फाइल चला रहे हैं, इंस्टा आईडी पासवर्ड नहीं पता। चलो चलो बच्चे पार्टी सब लोग एक साथ अपने अपना नाम बताओ पहले। मेरा नाम मान्या है। आपका नाम क्या है? रूही है। और आपका नाम क्या है? माही। और आपका नाम? पीहू। आप लोग स्कूल जाते हो? हम स्कूल जाते हैं। जाते हो? हम स्कूल ट्यूशन पढ़ने जाते, मेरा स्कूल बंद है। अच्छा, तो ये है अनुराग के घर के बच्चे। और ये पंडित जी क्या कर रहे हो? ये फोन चला रहा है अनुराग भाई का। और बताओ? कुछ नहीं भाई, कुछ खाना पीना हो गया, एकदम खाना पीना हो गया। हम लोग छत पे चलते हैं और कुछ काम की बात करते हैं। क्लास जाने को तैयार हो गए हैं और पूरा फेस वॉश वगैरह करके देख सकते हो। अरे भाई लड़की पटाने नहीं जा रहा है तो फेस वॉश करके कैसा लग रहा है? और कितने सालों से आप फेस वॉश कर रहे हैं? अब भाई सब तुमको बताइए करे। तुम करे तो करे, क्या बोले तो बोले। तो फेस वॉश करने का क्या क्या फायदा बताइए थोड़ा। मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। मैं इस सबसे कैमरा लगा लेना, इसे पूछते चल रहा भैया बताइए फेस वॉश कराने का क्या फायदा है? मस्त प्लान है। अमन जी आप बताइए फेस वॉश का क्या फायदा है? कुछ नहीं, जितना धूली जमा रहता है वो सब झड़ जाता है फेस वॉश करने के बाद, स्किन स्मूथ हो जाता है। फेस वॉश करते हो? नहीं, बस दिन भर मुंह में साबुन लगाते रहते हैं। बस दिन भर मुंह में साबुन लगाते रहते हैं, नहाते हैं तो सिर्फ साबुन लगाते, फेस वॉश नहीं करते हैं। शैम्पू करते हो? शैम्पू करने का क्या फायदा ये बताओ। हम बहुत दिन के बाद बाल धो के नहाते हैं। बहुत दिन के बाद बाल धो के नहाते हो? अच्छा आप बताओ, इधर आओ, आप फेस वॉश करती हो? फेस वॉश करती हो? फेस वॉश करने से क्या फायदा होता है? फेस गोरा हो जाता है। ओहो, यहाँ पे हमको आपके आज के सवाल का जवाब मिल गया है कि फेस वॉश करने से फेस गोरा होता है। आज के कॉन्टेस्ट की विजेता है पीहू, उसने बताया है कि फेस वॉश करने से फेस गोरा होता है। आज से ब्लॉग में इसी तरह की सिर्फ होती रहेंगी बातचीत, ब्लॉगिंग नहीं बकती है। बच्चों के सामने ये अपमानजनक बातें करता है, असली रही लौंडा। तो लिए गया फेस वॉश और अब देखते हैं हमारे पंडित जी अप्लाई करने वाले। अपना चेहरा दिखा दीजिए पहले पंडित जी। या बॉय या। तो फेस वॉश लगाने से बंदे हो जाते हैं गोरे, तो ये हमारी गोरेपन का राज है। हमने फेस वॉश नहीं किया, यही लोग फेस वॉश कर रहा है देखिए, और देखते हैं क्या डिफरेंस आता है। तो अभी ये फेस वॉश पूरा लगे हुआ है एकदम बढ़िया से एकदम। फेस वॉश ऐसे नहीं होता है कि ऐसे लगा दिए चल दिए धोने, पूरा मिलाइए अच्छे से सर्कुलर मोशन में फेस वॉश लगाइए और 30 सेकंड तक छोड़ दीजिए। ये मेरा बिहारी बाबू का आपको सजेशन है, टिप्स है। 30 सेकंड छोड़ दीजिए मसाज करने के बाद, उसके बाद फेस को वॉश कर लीजिए। तो फाइनली हम ऊपर आ गए हैं छत पर और अब हम यहाँ आपसे अच्छे से बातें करेंगे। छत पर आकर चला गया छत पर आकर कहाँ चला गया? अरे एक बात बताओ, खुजली होता तो कैसा लगता है? खुजली होता, खुजला के देखो कहाँ कहाँ खुजली हुआ है, जो सबसे ज़्यादा परेशान किया है लाइफ में, ऐसा कहाँ पे खुजली हुआ है बॉडी पार्ट में कि आपको बहुत परेशान कर दिया, विचलित कर देता है मन? दाढ़ी। दाढ़ी
आप लोग बताइए आप में से कितने, हम लोग जेन्युइनली बात करते हैं। चलो यहाँ देखो भाई, हम बताएं, सबसे पहले हम शुरू करेंगे, ठीक है? फिर एक एक करके सब लोग एक्सपीरियंस शेयर करेंगे अपना, ठीक है? आप भी अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर कर सकते हो। पब्लिक में रह के करने में थोड़ा सोचना पड़ता है। तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ। तुम नहीं भाई, रहने दो। सूरज आर्या को नशा चढ़ाया, थोड़ा दुआ वाला रात दारू पी लिए थे। बात नहीं कर रहा, जब हम लोग बचपन में छोटे थे, निकलता था ऐसे ऐसे ऐसे, और जब भाई खुजलाओ, ओहो क्या भाई लगता था एक्सपीरियंस। आज से हमारे बाबू जो चैनल सब्सक्राइब। झाड़ी में नहीं आना भाई, किनारे में आना। अमन जी झाड़ी में बुला रहे हैं। तो बताओ अनुराग भाई, आपने कौन सा फॉर्म भरा इस बार इंटर के बाद, और इंटर का एक्सपीरियंस सबसे पहले बताओ कि कैसा रहा? बोलो ना, हम आ गए भाई। हाँ भाई, इंटर का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया रहा, अच्छा खासा परसेंटेज आ गए हैं। कितने परसेंट आए हैं? 76%। ओहो, सबसे टॉप पे देखिए इधर है। हाँ, और अब हमने इंडिया का फॉर्म भरा है जिसका अभी प्रिपरेशन चल रहा है। इंटर के बाद का एक्सपीरियंस मतलब ऐसा रहता है, मानिए कि जैसे ना आपके पास ना पहले आप एक ट्रैक पे चल रहे हो, और इंटर जैसे ही ख़त्म होता है, और अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपके लिए इतने सारे ट्रैक खुल जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आप जाओगे किधर से, क्या करोगे, मतलब समझ रहे हो। शुरू में बोलते हैं कि आगे साइंस के बाद बहुत सारा स्कोप है, और इतना ना स्कोप मिल जाता है कि लोग कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि आगे करे तो करे क्या। तो काफ़ी ज़्यादा सोचने के बाद हमने ये डिसीजन लिया कि हम लोग ग्रेजुएशन का फॉर्म जो पाटलिपुत्रा का अपना है वो भर देंगे, और उसके अलावा जो कॉम्पिटिशन वगैरह होता है उसका फॉर्म वगैरह फिलअप कर देंगे। तो अभी मैंने नीट का फॉर्म भर दिया है, और इसने एनडीए का फॉर्म भरा है। तो भाई आप लोग बताइए कि एनडीए का फॉर्म जब भरते हो तो मतलब किस तरह से तैयारी चल रहा है तुम्हारा, और डेट कब का है एग्ज़ाम का? तैयारी तो अभी चल ही रहा है, अच्छा खासा तैयारी चल रहा है, और इसका एग्ज़ाम शायद पहले तो 5 सितंबर को था, अब डेट एक्सपेंड हो गया तो नवंबर से। आपके भाई का नीट का एग्ज़ाम 12 सितंबर को है, और अब देखते हैं, अभी तक तो कोई ऐसा चेंज नहीं हुआ है प्लान में, 12 सितंबर को ही होने वाला है। और इसी तरह से ब्लॉग करके और जो थोड़े बहुत समय मिलते हैं ब्लॉगिंग कर ले रहा हूँ, और बाकी टाइम पढ़ाई में और बाकी के कामों में रहते हैं, तो वो सब आने वाले ब्लॉग्स में आपको पता चलेगा कि हम लोग का किस तरह से रूटीन चल रहा है। तुम बताओ भाई, अमन भाई कुछ देख लिए भाई? सब नीट एनडीए कर लिया, हम बकचोदी करके बैठे हुए हैं, कुछ होने वाला है नहीं मेरा, देख लो। बिहार सरकार के बारे में क्या करना चाहोगे? बिहार सरकार हमको सस्ता नशा करवा दिया था, मेरा नशा में साला ये नंबर भी कम दिया है, ज्यादा परसेंटेज भी नहीं दिया है। बिहार सरकार क्या करे भाई, जनरल जो था जनरल कोटा। और लड़की लोग जितना ले जाए सीट, ऊपर से आरक्षण एसटीएससी, तो कहा ये चीज़ है कि मान लो हम भी अनुराग भी और मैं भी ओबीसी में हैं, लेकिन हम लोग का मानना है कि ये जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है ना, ये बंद होना चाहिए। मेरिट के बेस पे आपको सिलेक्शन होना चाहिए, और उसी के बेस पे सारा डिसीजन भी लेना चाहिए। बिल्कुल सही बात। और सबसे ज़्यादा बिहार सरकार ही क्या, भारत सरकार को भी एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए। इसके बारे में आपका क्या कहना है, कहिएगा, बताइएगा। और भाई हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो जो टिप्स वगैरह होंगे, आप में से कोई अगर सीनियर ये वीडियोस देख रहे हैं, ब्लॉग देख रहे हैं, तो हम लोग कंटेंट वगैरह शेयर करिएगा, जिससे हम लोग को प्रिपरेशन में हेल्प हो। देख भाई, आप लोग बड़े लोग इन लोग को प्रिपरेशन में ध्यान दीजिएगा, लेकिन हम पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि हम यही करेंगे, कुछ नहीं होने वाला, धर लेंगे कैमरा और यही यूट्यूब चलेगा अपना, बंद नहीं होने वाला, ब्लॉग देखेंगे।